हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ब्लीच फेस एट होम। सो आप घर पे अपने फेस को ब्लीच कैसे कर सकते हो एंड जस्ट 15 मिनट में आप पार्लर वाला ग्लो घर पे ही पा सकते हो। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने जस्ट अभी अपने फेस पे ब्लीच किया हुआ है एंड मैंने कोई भी मेकअप अपने फेस पे नहीं किया है, जस्ट लिप बाम अप्लाई किया है एंड ईयरिंग वियर किया है। एंड आप लोग मेरे फेस पे क्लियरली ग्लो देख सकते हो कि कितने अच्छे से वर्क किया है ब्लीच ने मेरे फेस पे। सो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि ब्लीच हमें कैसे करना है। सो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो सके एंड आप लोगों का ब्लीच भी अच्छे से हो सके प्रॉपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ब्लीचिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ फेम की क्रीम ब्लीच। डायमंड स्पार्कलिंग साइन इसका नेम है एंड फेम एक पॉपुलर ब्रांड है। सो देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। इसमें आपको 15 मिनट पे रिजल्ट मिलने वाले हैं एंड ये आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देगा, इवन स्किन टोन प्रोवाइड कराएगा एंड आपके फेस को शाइनी बनाएगा। एडवांस्ड स्किन ब्राइटनिंग भी आपको ये प्रोवाइड कराएगा एंड यहाँ पे इस पर इसका प्राइस भी दिया गया है। ये आपको 39 रुपीज़ में मिल जाएगा ईजिली। आप इसको किसी भी लोकल मार्केट की शॉप से ले सकते हो, ये ऑनलाइन भी मिलता है। सो आप इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो एंड ये नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स है एंड ये एक वीगन प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे दिया गया है नो एडेड अमोनिया, वन टाइम के यूज़ के लिए होता है ये पैक एंड डर्माटोजिकली टेस्टेड है ये ब्लीच एंड ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है ये। एंड यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो जो इंग्रेडिएंट है इसमें। एंड इसमें आपको ब्लीच के साथ साथ पोस्ट ब्लीच क्रीम एंड प्री ब्लीच क्रीम भी मिल रही है। सो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमें यहाँ पे प्री ब्लीच क्रीम मिलता है जो कि इस ब्लीच के साथ एडिशनल इन्होंने दिया हुआ है। सो आपको ऐसे मिलता है पोस्ट ब्लीच क्रीम एंड प्री ब्लीच क्रीम। प्री आपको पहले लगाना होता है, पोस्ट आपको बाद में लगाना होता है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में सब कुछ शो कर दूंगी कि आपको कैसे इसे अप्लाई करना है। सो इसके बाद हमें ये ब्लीच क्रीम मिल जाती है कुछ इस टाइप के कंटेनर में एंड इसके बाद हमें एक्टिवेटर इसका मिल जाता है जो कि छोटे से कंटेनर में है। देन हमें एक स्पैचुला मिल जाता है जिसकी हेल्प से ब्लीच एंड एक्टिवेटर को हम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। देन हमें इसमें एक यूज़र गाइड मिल जाता है जो कि यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको रीड करने के बाद आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ब्लीच को। सो गाइस, ब्लीच करने से पहले आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डल सी दिख रही है एंड अनइवन स्किन टोन सा लग रहा है। सो गाइस, ब्लीच करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था एंड क्लीन करने के बाद मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है एंड मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट लिप बाम अप्लाई किया है एंड ईयरिंग वेयर किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो गाइस, फर्स्ट हमें अपने फेस पे प्री ब्लीच क्रीम अप्लाई करना है ब्लीच करने से पहले, जो कि हमें कुछ इस टाइप के सैसे में मिल जाता है प्री ब्लीच क्रीम। सो हमें इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड प्री ब्लीच क्रीम को हमें ब्लीच करने से पहले अप्लाई करना है। सो प्री ब्लीच क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड गाइस, इस ब्लीच क्रीम में आपको टोटल क्वांटिटी मिलती है 10 ग्राम की एक्टिवेटर एंड ब्लीच क्रीम मिला के। सो इसमें आपको ब्लीच क्रीम में क्वांटिटी मिल रही है 7 ग्राम की एंड पाउडर एक्टिवेटर आपको मिलता है 1 ग्राम का, प्री ब्लीच क्रीम आपको मिलती है 1 ग्राम की, पोस्ट ब्लीच क्रीम आपको मिलती है 1 ग्राम की एंड इस ब्लीच क्रीम में आपको सेल्फ लाइफ मिल रही है 1 ईयर की। सो गाइस, प्री ब्लीच क्रीम हमें उस एरिया में अप्लाई करना है जहाँ जहाँ हमें ब्लीच करना होता है। सो मुझे नेक एरिया में भी ब्लीच करना है इसलिए मैंने नेक में भी अप्लाई कर लिया है। सो गाइस, अब हमें एक्टिवेटर एंड ब्लीच क्रीम को मिक्स करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बाउल लिया हुआ है। आप लोग प्लास्टिक या ग्लास की बाउल यूज़ कर सकते हो ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर को मिक्स करने के लिए, किसी मेटल की बाउल यूज़ नहीं करना, इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाफ़ ब्लीच क्रीम ले लिया है, मैं हाफ़ बाद में यूज़ करूँगी, मैंने हाफ़ ही लिया है एंड इसके बाद मैं एक्टिवेटर इसमें मिक्स करूँगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग एक बार में पूरा यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग पूरा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको हाफ ऑफ करके 2 टाइम ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अब एक्टिवेटर भी इसमें हाफ ही ऐड करूँगी
सो आप लोग देख सकते हो मैंने इतना एक्टिवेटर ले लिया है एंड मैंने हाफ ही ब्लीच क्रीम लिया हुआ था। एंड इसे हमें बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करना होता है। आपको इसे 1 मिनट तक एटलीस्ट मिक्स करना ही होगा, तभी ये अच्छे से मिक्स हो पाता है। सो जब इसमें से बबल्स आने लगते हैं तभी हमारा एक्टिवेटर एंड ब्लीच क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाता है। सो 1 मिनट तक प्रॉपर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हो कि इसका थोड़ा फॉर्म जो है चेंज हो गया है। सो मैं अब अपने फेस पे ब्लीच क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ। आप इसे ब्रश की हेल्प से या फिर आप इसे हैंड की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी इसे अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड आपको जिस जिस एरिया में भी ब्लीच करना है आप वहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। पूरे फेस पर तो हमें अच्छे से अप्लाई करना ही होता है। एंड गाइस, आप जब भी अपने फेस पे ब्लीच करो तो मेक श्योर फेस के साथ साथ आप इसे अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करो, जिससे कि हमारा नेक एरिया डिफरेंट ना दिखे। एंड गाइस, आप जब भी अपने फेस पे ब्लीच अप्लाई करते हो, ब्लीच अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता ही है, वो नॉर्मल है अगर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बट आपको अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है तो आप इसे मत अप्लाई करो। एंड गाइज, अगर आप ब्लीच को फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम इसे आप ट्राई करने जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप इसे एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। पैच टेस्ट करने के बाद ही आप ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई करें। एंड गाइज, पैच टेस्ट करने के लिए आपको ईयर के पीछे थोड़ा सा ब्लीच लेके अप्लाई कर लेना है एंड 24 आवर्स तक का वेट करना है। अगर आपको कोई रिएक्शन होता है उस एरिया पर सो आप इसे अप्लाई ना करें। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, 15 मिनट हो चुके हैं एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरा ब्लीच क्रीम अब सूख गया है। सो अब मैं इसे रिमूव करने जा रही हूँ। एंड इसे रिमूव करने के लिए हमें इसे डायरेक्टली वॉश नहीं करना होता है कभी भी। सो आप इसे एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, जिसे पानी में डुबोने के बाद उसे आप गीला कर लीजिए। एंड गीला करने के बाद हमें इसे कुछ इस तरह से वाइप कर देना है, पोंछ लेना है अपने फेस को गीले कपड़े से। सो काफ़ी अच्छे से ये रिमूव हो जाता है। एंड गाइस, 15 मिनट से ज़्यादा हमें इस ब्लीच क्रीम को अपने फेस पे नहीं रखना है, जैसा कि इसके बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है। सो आप लोग इसे 15 मिनट से ज़्यादा अपने फेस पे ना रखें, नहीं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, मैंने ब्लीच क्रीम को अच्छे से रिमूव कर दिया है। अब मैं अपने फेस पर पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ, जो कि हमें मिली थी इसी के साथ में। सो कुछ इस तरह से पोस्ट ब्लीच क्रीम हमें अप्लाई कर लेना है ब्लीच करने के बाद। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मेरा ब्लीच अब डन हो गया है एंड मेरे फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो मुझे देखने को मिला है। एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल लग रही थी पहले एंड अब मेरा कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे फेयर लग रहा है एंड मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ग्लोइंग लग रहा है एंड अब मेरे फेस में इवन स्किन टोन सा लग रहा है। सो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क किया है इस ब्लीच ने मेरे फेस पे। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।